नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के वैद्य कॉलोनी सहित शहर के कई क्षेत्रों में कुशालगढ़ क्लब में सीपी हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क मास्कों का वितरण किया गया। क्लब के वरिष्ठ सलाहकार वेद प्रकाश पौरवाल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर घर से निकलने के लिए जागरूक किया। वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर क्षितिज गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन से अब तक कुशालगढ़ क्लब व सीपी हॉस्पिटल द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में निःशुल्क मास्क वितरित किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं मास्क वितरण की कुछ झलकियाँ। पुलिस बहुत परेशान करेगी ना। पूरी सेफ्टी से हम भेज रहे हैं, पूरी सेफ्टी से। और ये बालक भी हम देखते हैं, रुमाल है इसके पास, रुमाल पास। आप तुम जाते हो ठेला वेला के लिए, एक जाकू दो जाकू मास्क लगाया करो, है ना मम्मी। आज आपने जो कुशालगढ़ क्लब और सीपी हॉस्पिटल के तत्वाधान से मास्क वितरित किए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ये वैद्य कॉलोनी में कुछ लोगों को मास्क जो बांटे हैं, मैंने उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा लगाने की मैंने उनको जागरूक किया है। बारा जिले के छिपाबड़ौत कस्बे के त्रिवेणी धाम हनुमान मंदिर पर बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा दान पात्र तोड़कर नकदी चुरा ले गए। सूचना पर पहुंचे थाना अधिकारी राम अवतार शर्मा, उन्होंने मामले की जांच की तथा कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जल्द ही चोरों की पड़ताल करेगी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। तीर्थ कितनी काट रही है